सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी और उनके संगठन के सभी पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ताओं का ये कार्यक्रम था जिसमें मैं शामिल होने आया हूँ। मैं महेंद्र राजभर जी को बहुत बधाई देता हूँ, उनके सहयोगी साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि राजधानी लखनऊ में उन्होंने अपने कार्यकर्ता और संगठन के लोगों को बैठा करके फैसला लिया है कि आने वाले समय में जाति जनगणना हो, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जिन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इनके पर्चे में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को शामिल करेंगे। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आज गरीब से दूर जाता जा रहा है, आज महंगी शिक्षा हो रही है, जो गरीब को पढ़ाई मिल जानी चाहिए, शिक्षा मिल जानी चाहिए, वो भी सरकार और सरकार जानबूझ कर इस तरीके से काम करे जिससे गरीब पढ़ लिख ना पाए और गरीब सपने ना देखे। तो हमें उम्मीद है कि महेंद्र राजभर जी और उनका दल एक बड़ा दल उभर करके आएगा। समाजवादी पार्टी उनके दल के साथ है, उनको साथ लेकर के चलेगी। ठीक, समाजवादी पार्टी का, क्योंकि मध्य प्रदेश में संगठन था और मध्य प्रदेश के हमारे नेता लोगों ने कहा कि चुनाव लड़े, इसलिए चुनाव हम लोग लड़े। राजस्थान में हमारी पार्टी के उतना मजबूत संगठन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वयं लड़ रहे हैं वो लड़ सकते हैं, वो लड़ रहे हैं। जो दल हमारे साथ हैं पहले से वो साथ रहेंगे, महेंद्र राजभर जी पहले से हमारे साथ हैं, ये भी साथ हैं। सर, इलेक्शन का कल कैंपेन में जो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी वहाँ पे थे, जो बात आप कहते हैं उन्होंने वो बात कही कि एक बार दलित ट्राइबल्स इन सबको अपनी जो पावर के बारे में पता चलेगा तभी देश का विकास हो सकता है। तो इस तरह से जो आप जाति जनगणना की बात कह रहे हैं वो अब राहुल गांधी मंच पे भी उस चीज़ को ओपनली कह रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की कि देश के सभी दल धीरे धीरे जाति जनगणना पर बात रख रहे हैं और हमें उम्मीद है अब कि आने वाले समय में जाति जनगणना होगी और आबादी के हिसाब से हक सम्मान मिलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था जिसके तहत अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार मिलेंगे। सर, आपने इटावा की घटना के बारे में ट्वीट किया, इंसिडेंट है छह महीने के अंदर दूसरा चौथा ऐसा इंसिडेंट है जिसमें फायर वाला रिपोर्ट हुआ, लोग वहाँ पे दिक्कत हो रही है। ये दुखद है कि ऐसी घटना हो रही है, इसकी जाँच करे सरकार और किस कारण हो रही, ये कारण क्या है जिसकी वजह से इस तरह फायर हो रही है ट्रेन में अक्सर, और ट्रेन का जोखिम होना मतलब लोगों का नुकसान होना, ये बड़ा सवाल है सरकार के सामने। तो क्या माना जाए 2024 चुनाव के लिए महेंद्र राजभर की जो पार्टी है सोलदेव स्वाभिमान पार्टी, इनको भी पार्टी को टिकट मिलेगा कहीं से किसी सदस्य को? क्यों नहीं टिकट मिलेगा, राजनीतिक पार्टियाँ आखिरकार क्यों होती हैं? राजनीतिक पार्टियाँ इसीलिए हैं कि अपने कार्यकर्ता अपने कैडर को ठीक रखें और जो मुख्य धारा के चुनाव उसमें पार्टियों के साथ शामिल हों, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा। ये हमारा और महेंद्र राजभर जी का अपना तालमेल होगा, ये पत्रकार साथियों फिल इन द बैंक मत करो। सर, आपने कहा था कि नवरात्र में हम कुछ टिकट घोषित करेंगे VIP, VIP। मैंने आपसे कहा था उस दिन भी कि हमने मन में घोषित कर दी है और मन में ही बता दिया उनको, वो मन में रखे। जो लोग जनता के दुख दर्द में जा रहे हैं, जनता जानती है कि किसको लड़ना है यहाँ से। सर, कल इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, न्यूजीलैंड को हराया, फाइनल्स में इंडिया एंटर कर गई है। मैं बधाई देता हूँ इंडिया टीम को, इंडिया इसी तरह जीतती रही और जो बॉलर है उसने कमाल किया, विराट कोहली ने भी अच्छा बैट्समैन और अच्छी तरह बैटिंग की, मुझे खुशी है कि इंडिया फिर जीतेगी। सर, बीजेपी द्वारा एक नया नारा बनाया गया है, गरीब की चिंता भारतीय जनता पार्टी की प्रमुखता, इस पे क्या कहेंगे? ये सब बकवास इनका, जाने कितनी बकवास करती है बीजेपी की पार्टी। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, फिर राजभर समाज क्यों छूट गया भाई? सबका साथ सबका विकास जी जी, तो फिर राजभर समाज क्यों छूट गया? न इन्हें शिक्षा मिल रही, न नौकरी, न रोजगार,
ये नारे देने में अच्छे हैं लेकिन जमीन पे कुछ नहीं उतारती। राजभर समाज के नेता भी छूटे जा रहे हैं सर, उनको फिर इंतजार पे रखिए। पिछड़े क्षेत्रों में सर फ्री गैस के नाम पे, पिछड़े क्षेत्रों में फ्री गैस के नाम पे 400 से 500 रुपए की वसूली हो रही है। हम लोग इकट्ठे होंगे और नहीं, हम लोग अभी अभी किसी को बाहर से निमंत्रण नहीं दिया है, अभी शुरुआत कर रहे हैं बनाने की। जब बन जाएगा तो और बड़े जो अपने नेताजी से जुड़े लोग रहे उनको जरूर बुलाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों के लिए तो बात आ जाएगा ना।